आज हम बनाने जा रहे हैं जैन थाई रॉ पपाया सैलेड। तो अनदर डिलीशियस जैन रेसिपी हियर आई एम विद। तो अगर आपको हमारे जैन एंड रेगुलर रेसिपीज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। भाई किसका वेट कर रहे हो आप, डू शेयर। इंग्रेडिएंट्स आप एक बार नोट कर लेना, मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रॉ पपाया ले रही हूँ, इसे हमें पील करना है। ये ध्यान देना ज़रूरी है कि बहुत हार्ड रहता है, तो हमें हल्का सा रॉ हल्का सा पका हुआ चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और फिर कड़वा रहता है। तो इस हिसाब से इसे लेना। ये यहाँ पे मैंने सारा ग्रीन हिस्सा हटा दिया एंड एक बाउल में आइस क्यूब्स लेंगे ताकि ये पपाया को अच्छे से क्रंची रखता है एंड फ्रेश रखता है। एंड मेरे पास यहाँ पे ये पिलर है, उसकी मदद से मैं इसके श्रेड्स कट करने वाली हूँ। अगर आपके पास ना हो तो इसका आगे मैंने एक टिप दिया हुआ है, पक्का से देखना। अगर आपको ये जूलियन पिलर जो है वो बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने ये लिस्ट किया है। ये देखो ये कितना सही काम करता है, एकदम नूडल्स के जैसे बड़े बड़े श्रेड्स हमें दे देता है। एंड अगर आपके पास ये पिलर ना हो तो हम यहाँ पे ये ग्रेटर लेंगे एंड इस पर कच्चा पपाया ग्रेट कर देंगे। बहुत बड़े नहीं, बट हमें इसके छोटे छोटे श्रेड्स तो मिल ही जाएंगे। अब इसके लिए हम बहुत ही डिलीशियस ड्रेसिंग रेडी करते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून लेमन जूस और हरी मिर्च। हरी मिर्च ये ऑप्शनल है पर अच्छा लगता है इसमें। फिर यहाँ पे मैं जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ, अगर आप खाते हो तो फ्रेश जिंजर भी ऐड कर सकते हो। कुछ सॉल्ट, शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड लेमन जेस्ट। लेमन को मैंने फ्रीज करके लिया था एंड इसका सिर्फ और सिर्फ येल्लो हिस्सा हम ग्रेट करेंगे जो इसमें बहुत ही अच्छा टार्टनेस लाएगा। हल्का सा वाटर जो ये ड्रेसिंग को थोड़ा सा पतला बना देगा एंड इसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे इस डब्बी को शेक करके। तो अब हम श्रेडेड रॉ पपाया लेंगे एंड इसके ऊपर रोस्टेड पीनट्स डाल देंगे। ये रफली क्रश्ड है, बहुत ज़्यादा रफली। एंड जो ड्रेसिंग हमने बनाया था वो इस पे हम डाल देंगे। सारा का सारा ड्रेसिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड रॉ पपाया का एक बेस्ट पार्ट है, ये टेस्टलेस रहता है, तो आप इसमें कोई भी फ्लेवर डाल दो, कोई भी कलर डाल दो, ये तुरंत ऑब्जॉर्व कर लेता है एंड डिलीशियस लगता है। इस पे हम डालेंगे फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड सोक करने के लिए रख देंगे एक 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो पपाया है वो अच्छे से सारे फ्लेवर्स ऑब्जॉर्व कर ले। ये कुछ माइक्रो ग्रीन से मैं इसे सजा रही हूँ एंड इसके साथ आप कोई भी फ्रूट क्लब कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी चेरी ऐड कर रही हूँ, फ्रेश चेरी, एंड इसके कुछ पीसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। एंड लास्ट में इस पर हम रोस्टेड वाइट तिल ऐड कर देंगे। ये बन गया हमारा खतरनाक डिलीशियस एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी सैलेड रेडी। इसे आप साइडर डिश पे सर्व कर सकते हो या फिर डिनर के टाइम पे एज अ मेन कोर्स भी खा सकते हो, बिकॉज काफ़ी फीलिंग है ये। डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।